हेलो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न न्यू लेसन 3.7। लेट्स स्पीक। लेट्स स्पीक का मतलब क्या होता है? चलो बातचीत करें। हाँ, कन्वर्सेशन करना, बातचीत करना। लिसन, रिपीट एंड कंप्लीट। हियर वी कैन सी देर इज़ अ बॉय। गुड मॉर्निंग टीचर। ये बॉय क्या बोल रहा है? मैम, गुड मॉर्निंग टीचर। ये बॉय, दिस बॉय सेइंग टू हिज टीचर गुड मॉर्निंग टीचर। एंड वन टीचर इज़ देयर, शी इज सेइंग टू हर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग अमय। ये मैम क्या बोल रही है? गुड मॉर्निंग अमय। ये बॉय क्या बोल रहा है? गुड मॉर्निंग टीचर। चिल्ड्रन, जब हम स्कूल जाते हैं तो हम अपनी टीचर को क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग टीचर। और टीचर भी क्या बोलती है बच्चों को? गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऐसे बोलती है ना। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ये बॉय बोल रहा है गुड मॉर्निंग टीचर, विश कर रहा है, और टीचर भी विश कर रही है। टीचर क्या बोल रही है? गुड मॉर्निंग अमय। नाउ अभी हम दूसरा पिक्चर देखेंगे। ये बॉय क्या बोल रहा है? व्हाट दिस इज, ये बॉय क्या बोल रहा है? आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। दिस बॉय व्हाट इज सेइंग? आई केम फर्स्ट स्टूड इन द क्लास। ये बॉय क्या बोल रहा है? मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। तो मम्मा क्या बोल रही है? अपनी मम्मा को क्या बोल रहा है? आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। ये वहाँ, ये बॉय अपनी मम्मा को क्या बोल रहा है? आई का मतलब होता है मम्मी। हाँ, आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। ये बॉय अपनी मम्मी को बोल रहा है मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। तो मम्मा क्या बोल रही है अपने सन को? अपने सन को क्या बोल रही है? आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। ये मम्मा बोल रही है मुझे फ़ख्र है आप पे। ये बॉय क्या बोल रहा है? मैं आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। तो मम्मा खुश होती है। तो मम्मा खुश होकर क्या बोलती है? आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, मैं आपके ऊपर फ़ख्र करती हूँ, आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो और फर्स्ट आते रहो। मम्मा स्माइल कर रही है। अभी हम दूसरा पिक्चर देखेंगे। यहाँ पे कौन है? फादर है और डॉटर है। यहाँ पे पापा है और बेटी है। बाबा आई वॉन द मैच। ये डॉटर क्या बोल रही है? जो बेटी है, वो पापा को क्या बोल रही है? बाबा आई वॉन द मैच। वॉन मतलब जीतना, मैंने मैच जीत लिया। उसने जो भी स्पोर्ट्स खेला है वो क्या बोलती है? बाबा मैंने मैच जीत लिया। तो पापा क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब होता है मुबारकबाद देना। कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब होता है मुबारकबाद देना। अभी हम दूसरा पिक्चर देखेंगे। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे ग्रैंडसन है और ग्रैंडपा है। थैंक यू ग्रैंडपा फॉर टेलिंग मी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले ये जो ग्रैंडसन है अपने ग्रैंडपा को क्या बोल रहा है? थैंक यू ग्रैंडपा फॉर टेलिंग मी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ग्रैंडपा थैंक यू, थैंक यू का मतलब होता है और शुक्रिया बोलता है, आपने मुझे बहुत अच्छी स्टोरी सुनाया। तो ग्रैंडपा क्या बोलते हैं अपने ग्रैंडसन को? यू आर ऑलवेज वेलकम माई चाइल्ड। वो क्या बोलते हैं? वेलकम बोलते, खुश आमदी आप तो कोई बात नहीं। इसमें था वेलकम का मतलब होता है खुश आमद। हाँ, यू आर ऑलवेज वेलकम माई चाइल्ड। हाँ, ये ग्रैंडसन क्या बोलता है? थैंक यू ग्रैंडपा फॉर टेलिंग मी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे।